सर वैल्यू में बहुत डिटेरियरेशन है ना, वैल्यू सिस्टम, जहाँ गार्जियन समझ रहा है कि मैं बच्चे को नकल करा के पास कराना चाह रहा हूँ, जब उसकी सोच ऐसी बन गई है उसको कैसे मैनेज। ये तो राजनेताओं ने आप लोगों को मिसगाइड किया कि व्यक्ति अपराधी है, इसे पकड़ो, इसे सुधारना होगा, और वो जानते हैं कि अंधेरा जीवन भर निचवाओ अंधेरा, ये जाने वाला नहीं, प्रकाश जलाने की बात नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, सांचा में दोष होता है मूर्ति में नहीं, व्यवस्था में दोष होता है व्यक्ति में नहीं। दूषित व्यवस्था होती है और हमको समझाया जाता है कि व्यक्तियों सुधर जाओ, जनता सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हर नेता आपको यही समझाता है, जो आपको गुलाम बनाना चाहता है वो आपसे कहता है सुधर जाओ बेटा, नहीं तुम्हारी गड़बड़ी के कारण ही सारी गड़बड़ी है, वो तुम पर ही सारे इल्जाम थोप देता है और तुम अपने को अपराधी समझ बैठते हो और सोचते हो कि यार हम ही जब अपराधी हैं तो क्या बोले, अब हमको चुप ही रहने में भलाई, हम कुछ बोलेंगे और 36 गलतियां तो हम सब किए बैठे हैं तो हम क्या बोले, तो वो वैसे चुपचाप बैठे रहते हैं। क्योंकि जो गुलाम बनाने वाला है, जो डोमिनेटर है, वो ये कहता है कि तुम दोषी हो, मूर्ति की नाक टेढ़ी है, कौन दोषी है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मूर्ति की नाक अगर टेढ़ी है तो मूर्ति दोषी है या सांचा? सांचे में नाक टेढ़ी होगी, मूर्ति पे छेनी हथौड़ी मारने और मूर्ति को बदनाम करने की ये साजिश है। जनता कभी कोई गलत नहीं है, जनता जहां खड़ी है वहां आप उसे चोरी करवाएंगे कि आप उससे साहूकारी करवाएंगे, ये व्यवस्था करवाती है। सज्जन या दुर्जन इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, व्यवस्था जैसी है वो वैसा हो जाता है। समंदर किनारे रहते हैं तो काले पड़ जाते हैं, शीत के वातावरण में कहीं रहते हैं ठंडे प्रदेशों में तो गोरे होने लगते हैं, जुलाई अगस्त के महीनों में जो धूप में काम करते हैं वो सब काले पड़ जाते हैं। अब भारत में इसका बोध हुआ है, अब लोग चेहरा ढक के अधिकांश लोग सड़कों पे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से 20 साल पहले किसी के चेहरे पे ढक्कन नहीं था, अब कहां से आया? ब्यूटी कॉन्शियस, सुंदर बने रहे, गोरापन